आज के इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस के बारे में। इस फ़ोन में चार्जिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं। पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इस फ़ोन में मुझे कब कब चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सबसे पहला, जब मैं फ़ोन को लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल नहीं करता हूं और फ़ोन को चार्ज में लगाता हूं तो मुझे चार्जिंग में दिक्कत आता है। तब मैं अपने फ़ोन के कनेक्टर को रुई से साफ कर लेता हूं और चार्जिंग में लगा के देखता हूं तो चार्ज होने लगता है। लेकिन कभी कभी चार्ज नहीं होता है तो मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करके देखता हूं तो चार्ज होने लगता है। ऐसे में मेरा फ़ोन हमेशा ठीक हो जाता है। दूसरा, जब मैं बारिश में भीग के आता हूं तब भी मुझे अपने फ़ोन में चार्जिंग में बहुत ज़्यादा इशू आता है। तब मैं अपने फ़ोन को हेयर ड्रायर से साफ कर लेता हूं, जिससे कभी कभार फ़ोन ठीक हो जाता है लेकिन कभी कभी फ़ोन ठीक नहीं होता है। उस टाइम फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन करने से भी ठीक नहीं होता है। तब मैं अपने फ़ोन को थोड़ा टाइम तक अकेला छोड़ देता हूँ, जब पानी ऑटोमेटिकली सूख जाता है तो मेरा फ़ोन फिर से ठीक हो जाता है। ऐसे ही मैंने बहुत बार अपने चार्जिंग प्रॉब्लम को फिक्स किया है। ऐसे करने के बाद भी अगर आपका चार्जिंग प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा है तो फिर आपको किसी रिपेयरिंग शॉप में जाना चाहिए या फिर सर्विस सेंटर में जाना चाहिए। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना।